हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 18 अगस्त 2019 को कालका से सभी 90 विधानसभाओं के लिए आरंभ हुई जन आशीर्वाद यात्रा के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने फूल मालाएं तथा पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टी 55 से 60% तक वोट हासिल कर लेती है तो वह अपने आप में एक जन समर्थक, जन विश्वास, जन जागरूकता के अवसर के साथ खड़े होने वाली पार्टी बन जाती है। उन्होंने कहा कि जब वे हरियाणा में आए हैं, हरियाणा के लोगों से जितना मांगा उससे अधिक दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हर परिवार को मनोहर बना दिया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की कुछ खास बातें। आज हम लोग यहां विजय संकल्प रैली इस रूप में पूरे हरियाणा के कोने कोने से पार्टी के कार्यकर्ता तथा हरियाणा के मेरे 2.5 करोड़ जनता के जो जिसको हमने परिवार माना है उसके सभी प्रतिनिधिगण यहां एकत्र हुए हैं। और यह अवसर ऐसे मौके पर है जब हम लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा चुनाव से ठीक पहले इसको सभी 90 के 90 विधानसभा में जाकर आप सब लोगों का, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। भाइयों बहनों, हमारी ये यात्रा ठीक चुनाव से पहले हम लोगों ने की है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1966 में जब हरियाणा बना था, 48 वर्षों में इस प्रदेश में पिछली सरकारों ने खूब अनियमितताएं की, कोई भी व्यवस्था इस प्रकार की नहीं बनाई कि जनता को इसको सीधा सीधा लाभ हो सके। यहां 5 साल में हमने जनता का पूरा सम्मान किया, जबकि पिछले 48 सालों में जनता के साथ पिछली सरकारें खिलवाड़ करती रही। भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव, इस नाते से जनता बहुत पीड़ित थी। 5 साल पहले आपके आशीर्वाद से जनता ने हमको पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार सौंपी थी। हमने इन 5 वर्षों में हरियाणा के लोगों को अपना परिवार मान करके दिन रात एक करके पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमने पूरी सेवा की है। विकास के काम भी बिना किसी भेदभाव के, चाहे कहीं भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो चाहे ना रहा हो, हमने हर क्षेत्र में विकास के काम किए। सैकड़ों करोड़ रुपए के हर विधानसभा के अंदर काम हुए हैं। और इस प्रकार से राजकाज की जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनको सबको बदलने का काम किया। एक प्रकार से राजनीति का मायना ही हमने बदल दिया। आने वाले 5 वर्ष में गांव हो चाहे शहर हो चाहे बस्ती हो, हर रसोई में पीने का साफ पानी, ये हम नल लगाकर नल से जल व्यवस्था के अंतर्गत हर रसोई पहुंचा देंगे, ताकि हमारी बहनों माताओं को दूर से जो पानी लाना पड़ता है उससे उनको निजात मिले। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने, हमारा जो रैंकिंग 2014 में 14वें नंबर पर थे, हमारी रैंक कर सुधार करके उत्तर भारत में हम प्रथम स्थान हमने प्राप्त किया है। इस प्रकार से काम हमने बेतहाशा किए और इन कामों के कारण से आज जनता इसका प्यार हमको मिल रहा है। आपने लोकसभा के चुनाव से पहले जो राष्ट्रीयता का भाव जागृत किया और उसके कारण से हरियाणा के लोग जिस प्रकार से उमड़े, 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके हरियाणा के लोगों ने, प्रधानमंत्री जी, आपको समर्पित की है। रोहतक जैसा क्षेत्र जिसके बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं सकती, यहां इस रोहतक की धरती पर भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की सीट जीत करके और आपके झोले में डाली है। और इसमें से स्वाभाविक रूप से एक वातावरण बना कि हम हरियाणा में अगली सरकार, 1 महीने के बाद जो ये सरकार बनने का समय आएगा, निश्चित रूप से हरियाणा का जो 75 पार का जो हमने लक्ष्य रखा है
वो 75 पार का लक्ष्य आपके आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं यह यकीन दिलाता हूं अपने हरियाणा की जनता को कि आने वाले समय में हालांकि काम बहुत किए तो भी अभी बहुत से काम करने शेष हैं। उस गरीब जनता को जो आज भी कहीं ना कहीं दुखी है, पीड़ित है, उस किसान को जिसको भाव पूरा देने के लिए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी किसी इलाके में यदि पानी की कमी है, किसी इलाके में उसको कोई भी तकलीफ है, उसको दूर करने के लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि इन अगले पांच सालों के लिए हरियाणा की जनता हमको अपना आशीर्वाद देगी और उस आशीर्वाद के बाद हम दिन दोगुनी रात चौगुनी, जैसे हरियाणा आगे बढ़ रहा है, बहुत सी योजनाओं में आगे बढ़ रहे हैं, उन योजनाओं का बहुत से प्रदेश तो ऐसे हैं जो हमारी आज स्वच्छ भारत की बात करें तो हरियाणा पूरे देश में अव्वल राज्यों में एक है। हरियाणा ने अपने आप को पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ मुक्त घोषित कर लिया है। इसके अलावा हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है और एमएसएमई सेक्टर में भी देश के टॉप राज्यों में हरियाणा का नाम है। हरियाणा के बेहतर भविष्य के लिए आपके राज्य को मनोहर जी जैसे नेतृत्व की जरूरत है, जो संकल्प के साथ, समर्पण के साथ लगातार आपकी सेवा में लगे रहे हैं। मनोहर लाल जी सहित हमारे तमाम साथियों ने बीते 5 वर्षों में इन संस्कारों के अनुरूप काम किया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा के सरकारी सिस्टम से अपने पराए के भेद को खत्म करने का, उस मानसिकता पर चोट पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया गया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में सरकारी नौकरियों में बंदर बांट की एक गलत परंपरा को खत्म किया गया है। बीते 5 वर्षों में बेरोजगार युवाओं के कौशल से लेकर उनको मिलने वाली मदद तक में वृद्धि की गई है। बीते 5 वर्षों शिक्षकों के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को बंद करने का सफल प्रयास किया गया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में किसानों की जमीन पर भ्रष्टाचार का जो खेल चलता था वो भी बंद हो गया है। 5 वर्षों के ऐसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के दम पर पूरा हरियाणा आज भाजपा के पक्ष में खड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा के साथ, मनोहर लाल जी के साथ, रोहतक के, हरियाणा के जन जन का ये विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आपको बधाई। आप भारी संख्या में यहां हम सभी को आशीर्वाद देने आए, इसके लिए आपका आभार। रोहतक की मेरी आज की यात्रा के पीछे 2 बड़े मकसद हैं। पहला मकसद, आपको विकास की नई नई परियोजनाओं का उपहार देना, और दूसरा, मनोहर लाल जी को मिल रहे जबरदस्त जन आशीर्वाद का साक्षी बनने का। मैं कह सकता हूं कि मनोहर लाल जी और उनकी सरकार ने जिस प्रकार
हरियाणा के लोगों की सेवा की है, ये जन आशीर्वाद उसी का जीता जागता सबूत है। मनोहर लाल जी की जन आशीर्वाद यात्रा आज भले ही रोहतक में समाप्त हो रही है, लेकिन इससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में भी हरियाणा का आशीर्वाद किसके साथ रहेगा। और मनोहर जी 5 साल पहले जब दायित्व संभाला तब भांति भांति की बातें 2001 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना और जैसा मेरे लिए मैं भांति भांति की बातें सुनता था, मनोहर लाल जी के लिए भी। लेकिन 5 साल के एकनिष्ठ अथक पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हर परिवार मनोहर बन गया है। अब हरियाणा के लोगों को कठिनाई हो रही है कि सही नाम क्या है। कोई नमोहर बोलता है, कोई मनोहर बोलता है, तो एक में ही दोनों समाहित है, नमोहर भी है मनोहर भी है। लोग मुझे नमो नमो करते थे, लेकिन जब मुझे लोगों ने नमोहर कहा मुझे भी जरा आश्चर्य हुआ। भाइयों और बहनों, विकास के रास्ते पर चलते हुए गरीब पीड़ित शोषित वंचित की सेवा करते हुए जन विश्वास मिलता है। आज की ये सभा उस जन विश्वास को एक और मोहर लगा रही है। अभी हरियाणा में केंद्र सरकार की मदद से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। विकास के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए थोड़ी देर पहले लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इसमें बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए सिरसा, पलवल, हिसार और नूह में डिग्री कॉलेज भी शामिल है। मुझे खुशी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के साथ ही यहां की बीजेपी सरकार बेटियों की शिक्षा पर व्यापक बल दे रही है। मैं मनोहर जी उनकी टीम को बधाई देता हूं। यहां आसपास के जिलों में बेटियों के अनुपात में जिस तरह वृद्धि हुई है, इसकी चर्चा पूरा देश कर रहा है। साथियों, कॉलेज के साथ साथ पानी की परियोजना, सोलर स्ट्रीट लाइट का काम, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं, स्मार्ट व्यवस्थाओं से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी आज यहां हुआ है। इसके अलावा
यही रोहतक में करीब 600 गरीब परिवारों को घर भी दिए गए हैं और एक मेगा फूड पार्क का शिलान्यास भी किया गया है। ये फूड पार्क हरियाणा के किसानों के लिए, यहां के युवा साथियों के लिए आय के, रोजगार के अनेक अवसर तैयार करने वाला है। जिन लोगों की दिवाली इस बार अपने नए घर में बीतने वाली है, उन्हें अभी से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को, पूरे हरियाणा को अनेक अनेक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। साथियों, हरियाणा समेत देश भर में पारंपरिक और आधुनिक इलाज की तमाम व्यवस्थाओं को, अस्पतालों को, दवाखानों को, नेटवर्क को सशक्त किया जा रहा है। इसी सोच के साथ कुछ दिन पहले ही हरियाणा में 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत मैंने दिल्ली से वीडियो के माध्यम से की थी। आज गुरुग्राम में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ेगी और हमारे युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अधिक अवसर भी मिलेंगे। साथियों, आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गरीब से गरीब को भी अस्पताल में जगह मिले, उसका इलाज हो सके, इस मकसद से काम हो रहा है। आयुष्मान भारत ने गरीबों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। जन औषधि योजना से सस्ती दवाइयां मिल रही है। जीवन रक्षक दवाइयों की कीमतों की भी नियंत्रित किया गया है। साथियों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हेल्थ केयर से जुड़े जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो स्वस्थ और सशक्त भारत के लक्ष्य को अनुकूल है। इसके लिए कई मंत्रालय मिलकर एक यूनिट की तरह क्या कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।